फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सिंह, पूजा कॉर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं लाई हूँ कि पेट साफ तो सब साफ। अगर पेट ही सही नहीं है तो क्या होता है? वॉमिटिंग सा मन होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, सिर दर्द करता है, शरीर में क्या होता है, सुस्ती सी सा जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए? तो ऐसे में जो है मैं एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको इन सारी प्रॉब्लम से 10 मिनट में छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 10 मिनट में, 10 मिनट में ही आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। ये जो है होम रेमेडी आपको घर पे ही बनानी है। आपको किस क्वांटिटी में लेनी है, किन किन चीज़ों को यूज करना है और किसे नहीं लेना है, आज मैं आपको ये सारी बातें बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो है एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सौंफ, आधा चम्मच काला नमक या एक चम्मच ले लीजिए काला नमक, और क्या लेनी है, थोड़ी सी हींग। इन सारी चीज़ों से आपको जो है एक पाउडर तैयार करना है। तो वो कैसे तैयार करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अजवाइन को और जीरे को आपको क्या करना है, तवे पे करना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेना अच्छे से। जब वो रोस्ट हो जाए तो उसको गैस से उतार लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अजवाइन, जीरा और जो आपने सौंफ लिया है एक चम्मच, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से पीस लेने के बाद आपको क्या करना है, उसे निकालिए। निकालने के बाद उसमें आप जो आपने नमक लिया है एक चम्मच या आधा चम्मच, आपको उसमें मिक्स करना है। जो थोड़ी सी हींग है उसको भी आपको उसमें मिक्स करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर के अंदर अच्छे से बंद करके रख लीजिए। आपको ऐसी जगह पे इसको रखना है जो कि सनलाइट से दूर हो, मॉइस्चर से दूर हो, नहीं तो क्या होगा, ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। आपको क्या करना है, जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो, आपको रेगुलर नहीं लेना है, जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो आपको क्या करना है, एक चम्मच आपको लेना है गुनगुने पानी के अंदर, आप इसे घोल कर पी लीजिए। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो एक चम्मच लेके आप उसको फांक लीजिए। फांकने के बाद जो क्या करना है, गुनगुने पानी को आप पी लीजिए। फिर देखिए आपको क्या होगा, 10 मिनट के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपका जो पेट है वो सही हो जाएगा, पेट साफ होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले आपको इसे पी लेना है, पानी में घोल के या फिर फांक के आपको इसको पी लेना है। और अगर आपकी एज है, अगर आप छोटे बच्चों को देना चाहते हैं, अगर आपको जैसे कि 12 से 18 साल का बच्चा है, तो आपको क्या करना है, इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी कर देनी है, आधी चम्मच ही देनी है बच्चों को। तो ऐसे में उसको आधी चम्मच दीजिए जिससे कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर बच्चा 12 साल से छोटा है तो उसको ये नहीं देना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। तो ये जो है एक बहुत ही सिंपल सा घरेलू नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम से तुरंत राहत पा सकती हैं। तो आप जो है इसका सेवन करिए, फ़र्क आपको खुद पता चलेगा। एक घरेलू नुस्खा है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिससे कि दूर हो जाए, आप लेते हैं कुछ उसका फ़ायदा भी नहीं होता, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए उसको आप पीते रहते हैं जिससे कि तसल्ली हो जाए। खाना पचने के लिए आप उसका सेवन करते हैं, एक अपना रेगुलर क्या होता है, रूटीन में शामिल कर लेते हैं कि हमें खाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और इसके घरेलू नुस्खे की बात करें तो आपको इसका जो सेवन है, हमेशा दोपहर के बाद या फिर दोपहर जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको रात को सोने से पहले करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह क्या है, हमारा पेट वैसे ही सही रहता है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप रात को इसका इस्तेमाल करिए, फ़र्क आपको खुद पता चलेगा। कुछ दिन इस्तेमाल करके देखिए, फ़र्क आपको खुद पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।